अंदर से निकाल रहे खोद के उसको डंडा से ना ऐसे किया ना तो मतलब रेंगते हुए बाहर आया। अच्छा खेलो थावे कोरवा किसान गुरु बजे दो निशान अरे अरे गुरु बजे दो निशान खेलो थावे कोरवा किसान गुरु बजे दो निशान। ए दे आटा काला नारी इना छूटा थे दुख ना बीमारी कौन लाएगा बो ए कौन लावा जाबो ने गैया टकाला नारी इना छूटा थे दुख ना बीमारी चेला चवरिया पैसा बो होबो चेला दो चवरिया डमके चाखेले पिछला ला चोर फंगे लंगा ने डमके चाखेले ये बेद दंग ना दिंग दिंग ने डमके चाखेले पिछला ला चोर फंगे लंगा रे बेचाला छोड़ा जीवा जाही तोरे ओगन सीओ कांदा डिंडोरी कांदा बैलोर कांदा चुरका कांदा गेट कांदा बैलोर कांदा जानवर में काका सिखा कर रहा ओगनी बड़े बड़े रुझिया आए थे रुझिया मारन तो पट करे ना छत्तीसगढ़ ले आए भैया नीत है बदनाम गा छत्तीसगढ़ आए भैया नीत है बदनाम गा। नमस्कार जय जोहर दोस्तों, मैं हूं प्रजाज सी ट्विस्ट गाइड और आज मैं हूं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के अंतर्गत पहाड़ी क्षेत्रों में और पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं पहाड़ी कोरबा जनजाति जिनका एक अलग जनजीवन होता है, रीति रिवाज होता है, परंपरा होता है, खान पान रहन सहन काफ़ी अलग होता है। और वैसे तो पूरे भारत में हर एक जनजाति की अलग अलग विशेषता होती है जिससे वो पहचाने जाते हैं, लेकिन आज मैं पहाड़ों पर निवास करने वाले पहाड़ी कोरवा जनजाति के बीच हूँ और यहाँ पर मिले हैं कुछ बच्चे जो खेल रहे थे मिट्टी में और यहाँ से बहुत कुछ जुड़ी कहानी इन लोगों रीति रिवाज जनजाति से आज आपको मैं रूबरू कराने वाला हूँ। तो आज हम मिलेंगे पहाड़ी कोरवा जनजाति से। अंदर रहना निकाल। अच्छा अच्छा, चलो बिल के अंदर से निकाल रहे। दोस्तों अभी मैं सनी राम भाई के घर पहुंचा था और पहाड़ी कोरवा में विशेषकर शिकार के लिए धनुष बाण आपको तीर देखने को मिलते हैं, साथ ही मुझे ये पारंपरिक वाद्य यंत्र मिले हैं जो काफी पुराना है और इसको अभी के लोग आज भी यहाँ लोग यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। और इसको ऐसा कुछ माध्यम होता है बजाने का, इतना अच्छा आवाज आता है इसमें। और दादाजी मेरे साथ है, गाना गाएंगे और मैं इसको बजाने का कोशिश करूंगा। राम धरे धनु लक्ष्मण धरे बाण, यह धरती में चलत है लक्ष्मण के ए हनुमान के बाण। सुनो रे भाई, दोनों भुजा में धनु टिका के राम लक्ष्मण चलत है बाण। सुनो रे मोर भाई, विदो गड़गड़ रखे मन छनी को गुठियात हां कर भैया मारे। तो सनी राम भाई तैयार कर दिया है तीर कमान हाथ में है और मैं सीखूंगा चलाना। फुल जितना भी ताकत है ना उतना सकते हो इसे। हाँ। अरे बाप रे, खेल सिंह भाई जो है सामने में एक लकड़ी का खूंटा को गड़ा दिया है, आप निहाना लगाओ उसमें सही है कि नहीं चेक करते हैं कहके। और मेरे साथ में है ये तीर कमान, काफी पुराना है, बांस का बना हुआ है और सामने में इसका है बहुत ज्यादा नोकीला। इसे जानवर का शिकार किया जाता था, शुअर, जंगली शुअर का ज्यादातर शिकार किया जाता था, एक बार में ही इन लोग के लिए उस समय तैयार किया था। अब तो नहीं, अब ये धीरे धीरे विलुप्त के कगार पर चला गया है क्योंकि समय परिवर्तन होते जा रहा है। तो पहाड़ी कोरों में आज भी हमको तीर कमान देखने को मिलता है। जनेऊ इन लोग के लिए जनेऊ है और ऐसे करके दोनों हाथ आपको यहाँ लगाना है और भाई ने दे दिया है सामने एक खूंटा, अब उसमें मेरे को निहाना लगाना है, देखते सही जाएगा। अरे वाह, सनी भाई का कहना है कि यहाँ जितने प्रत्येक घर मिलेगा आपको, खपरा वाला घर अलग मिलेगा खप्पर का और छत वाला घर अलग मिलेगा। और ये आप सोच रहे होंगे कि छत वाला घर बरसात में काम आता होगा, तो वहाँ रहते होंगे बरसात के लिए छत वाला घर। तो आपको बताना चाहता हूँ वो जो घर है छत वाला गर्मी के लिए है, बरसात के लिए ये घर आता है क्योंकि यहाँ पर जितने भी छत वाले घर हैं सब सीपेज आता है, पानी आता है, चाहे स्कूल हो चाहे आंगनबाड़ी हो, जिनकी वजह से आपको स्कूल के लिए भी और घरों में लोगों के रहने के लिए भी परिवार वालों के लिए आपको ऐसे
खप्पर वाला घर बनाना जरूरी होता है, बाकी आप छत के भरोसे रहेंगे तो लगभग पानी गिरने के बाद 10 दिन तक सिर पे जाते रहते हैं ना सनी भाई? हाँ, आते रहते हैं। तो इसलिए खप्पर का घर बहुत जरूरी हो जाता है। अच्छा, खप्पर नहीं दिखेगा तो भी वो तिरपाल उपाल लगाए रहते हैं छत के ऊपर में। हाँ, सिपेज में आता है। चलिए, हाँ, तो इस घर से हमें गाना की आवाज सुनाई दिया है। तो जितने भी आप घर देखेंगे, अधिकतर घर तो खैर जंगल क्षेत्रों में मिट्टी और ऐसे खप्पर के देखने को मिलते हैं। काफ़ी मुझे अच्छा लगता है क्योंकि शांत वातावरण होता है, घनघोर जंगल क्षेत्र होता है, प्रदूषण मुक्त क्षेत्र होता है। बाउंड्री को आप देखेंगे ऐसा लकड़ी को बना होता है। और अभी जो जिस घर में आए हम, काफ़ी दूर में थे और शांत वातावरण होने की वजह से दीदी गाना गा रहे थे, उसको हमने सुन लिया, तो उसको आप तक पहुँचाने के लिए आ गए हैं इस घर में। गाड़ी भी गाड़ी गए हड़ा काले डबर बाबू हवा भारी ले वो खड़ा ले डबर बाबू हवा भारी ले वो नजी हवा भारी ले वो बाबू हवा भारी ले बे। अरे रीलमा, कौन में तो सब लगा ले, कौन में ते आला शंकर गोरी ले तो गल्ला गा। हाँ जी ले तो गल्ला गा, ले बैठक ले थे ले चकल भंडारा। आठ मन के काया ले कौन शंकर माला कोयली भैया दे थो गारी रे। हाँ, पहली हम सब के गाना ला हमने एक ही जाना था। अच्छा, मदरी। हाँ, और सब कर्मा वर्मा सब हम जान, डोमका कर्मा। हाँ, सब हम जानत रहे। हाँ, लेकिन अब ना ये मोबाइल जेकुर ले हुई से ना। हाँ, तो सब गाना भुला जाते भैया। अच्छा, ना हमारे पारसी नहीं जाना, ना कुछ नहीं जाना। इधर सादरी गोठिया, सादरी गोठिया गोठिया। हाँ, तो इधर सादरी गोठिया था तब पारसी वाला ले थे। सादरी नहीं आप लाते सादरी गोठिया लाते सादरी पारसी में थोड़ा बहुत गुठिया देते हैं। सादरी आते गुठिया ला, सादरी माँ थे, सादरी आते बाबा गुठिया ला, सादरी माँ ने तो कहूँ ते लाबे तो को लग पूछूं तने में तो दो सादरी। मतलब कटहल को ये लोग कैसे सर पका हुआ यहाँ पर गिरा है खाते? कटहल को ना ये लोग कच्चा में सब्जी बहुत कम खाते हैं। अच्छा, क्या है इनका इनका आदिवासी मतलब कुछ कुल देवता रहता है। हाँ, तो उनको मतलब पहले पहला भेंट कहते हैं, अर्पण करने के बाद ये लोग। हाँ, खाते हैं और ज्यादातर पका ही ऐसे पका वाला ही खाते हैं। हाँ, और कच्चा सब्जी बहुत ही कम खाते हैं। अच्छा, मैंने तो अभी नहीं सुना। अच्छा, कोई लोग भी अच्छे बढ़िया दिल के अच्छे हैं लोग, कोई भी मांगता है तो हम ही कई बार इनसे मांग के बढ़िया से ले गए हैं, प्रेम से देते हैं बढ़िया। अच्छा, मतलब कटहल का कमी नहीं है यहाँ? इधर बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन सबसे पहले देवी अपने आराध्य देवी देवताओं को अर्पण करते हैं। भले आप जैसे आप लोग मांगेंगे ना, हम लोग मांगते हैं तो दे देते हैं, लेकिन खुद नहीं खाते। अच्छा, बिना मतलब पूजा करे। हाँ, अच्छा, इसलिए यहाँ पर देख सकते हैं कटहल पका हुआ यहाँ पर भी गिरा है और यहाँ पर भी आपको कटहल पका हुआ नजर आएंगे। अगर आपको किसी प्रकार का खरीदारी करना है, नॉर्मल राशन सामान भी लेना है, तो आपको 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। या फिर आप अपने जीवन में आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, 12वीं कक्षा तक पढ़ना चाहते हैं, कॉलेज करना चाहते हैं, तो आपको गांव घर को छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी दूर है, लंबा सफर तय करना होता है, जिसकी वजह से कई लोग आज भी पढ़ाई को छोड़ दे